अस्सलामुअलैकुम। आज अम्मी किचन में ईद की स्पेशल बिरयानी पका रही। आप सभी लोगों को ईद मुबारक। बिरयानी को डालने के चीज़ा, ये 1 केजी प्याज, 1 केजी टमाटो, 7 से 8 हरी मिर्ची, नींबू, पुदीना 1 मुट्ठी, कोथिमीर 1 मुट्ठी, ये मेथी की भाजी 1 मुट्ठी, सूखे मसाले, धनिया का पाउडर, हल्दी का पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, ये मिर्ची का पाउडर, ये मसाला कौन सा का तो 200 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम अदरक, 10 इलायची, 15 लौंगा, 7 से 8 इंच चकला दाल को ये मसाला ऐसा बना लेना। ये 2 केजी चावल लिखूँ, बकरे का गोश्त 2.5 केजी, ये तेल, तेल गोश्त चिकना रहा तो अपने हिसाब से देख को डाल देना। इतनी चीज़ें बिरयानी पकाने के लिए। बिस्मिल्लाह बोल को बर्तन रखे, तीन सौ ग्राम तेल डाल के, गोश्त चर्बी कर रहा है तो जरा कम डाल लो, चर्बी नहीं रही तो जरा ज्यादा डालो तेल। मैं 300 ग्राम डालू तेल, ये 1 केजी प्याज 1 किलो, प्याज को अच्छे से तल लिया ऐसा। जरा ब्राउन कलर हो सकता तल लो प्याज को, इतना प्याज तल ले को ये मसाला पीसे से मसाला, बस सूखे मसाले डाले, धनिया का पाउडर 3 चम्मच, डाल हल्दी चुप्पे की जरी इतनी डाल, मिर्चियां का पाउडर 3 चम्मच, पुदीना 1 जरा इसमें डालती है, 1 जरा बाद में डालती है, कोथिमीर भी 1 जरी डालती, 1 जरी रखती हूँ बाद में डालना। इसके साथ गोश्त, ये 2.5 केजी गोश्त बकरे का, उसको मसाले में अच्छे से भून ले,
गोश्त के साथ, गोश्त के हिसाब का नमक डालते हैं, बाद चावल डाले बाद उसका टेस्ट देख कर नमक डालते हैं। तो मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेता हूँ। ये बड़े चमचे से एक चमचा विनीगर डालो। विनीगर डाले तो हमारे नबी की सुन्नत भी और गोश्त भी जल्दी गलता। देखो ऐसा तेल छुट जाना, ऐसा गोश्त भुने जाना, पूरा उसका बिसान पानी सब गिर को सही से ऐसा तेल पूरा ये होना। ऐसा हुआ बाद तीन गिलास गरम पानी डाल को गोश्त को गलने दे। जब जब देख लेते हैं ना, नहीं तो दाग लग जाता है। पानी जिरगा तो और भी गरम पानी डाल को गोश्त गलिया नहीं रहा तो और भी जरा गलो। मैं गोश्त को हमें ऐसा गला रही हूँ, नहीं तो कुकर में गला ले तो ऐसा पानी दल को ऐसा नहीं गलाने की ज़रूरत नहीं, कुकर में गला लेता हूँ। मैं हेवी इंच गला को ऐसा पकाए तो टेस्ट अच्छी आते बिरयानी की। गोश्त गलिया बाद टमाटो बाकी के चीज़ों सब डालती हूँ। एक 40 लहजे गलाना, 40 मिनट तक गोश्त को अच्छे से गला लें। चालीस मिनट तक ऐसा गोश्त गल जाता है। गोश्त गल को इसका अच्छा रस सब भी देखा, ऐसा सूखता है गोश्त। बाद में टमाटो, 1 केजी टमाटो या 8 से 10 हरे मिर्च, पुदीना बचा कर रखी थी ना, वो पुदीना या कोथिमीर, ये मेथी की भाजी टमाटो के साथ डालना। पहले गोश्त के साथ डाल डाले तो ज्याद गली तो रति कसाली कड़वास भी आते हैं, उससे टमाटो के साथ डालो। और नमक पहले गोश्त के साथ जरा डाली थी, अब डाल रहे चावल डाल के ना टमाटो गले डाल। टमाटो गले तक गला लिए, टमाटो अच्छा गल गया। 40 लहजे गोश्त गलने रखे ना, जब हमें चक्कर लेना, नहीं तो गोश्त को दाग लग जाता है। देखो ऐसा केटल में मैं पानी गरम करके रख ली थी, ये केटल का पानी डाली से गरम पानी डालना, यूज करना ठंडा पानी नहीं डालना गोश्त गलने के वास्ते। अब टमाटो 1-10 लहजे टमाटो गल के बाद चावल डालिए। टमाटो सब गल गए, अब इसमें पानी डाल चावल डाल। ये 2 लीटर का केटल हमारा गरम पानी डाल दो, 2 लीटर पानी डालो 2 केजी चावल। हुआ तो कम से रस हुआ तो यदि कम पड़ा तो भी गरम पानी रख ले को लास्ट में मिला गरम पानी।
केसर कली चावल 2 केजी चावल लियो, 2.5 केजी गोश्त, 2 केजी चावल। तीन नींबू का रस जूस भर, नींबू का तीन नींबू है, तीन नींबू डालना। ऐसा जाली रखो, दम को छोड़ो, दाग नहीं लगता। दस लहजे हुए बाद ऐसा खोल को देखो दम हो पर होता है। कितनी प्यारी, कितनी अच्छी है बिरयानी। देखो गोश्त भी सूख जा रहा है, गोश्त गल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारी अम्मी बिरयानी पकाई है, उसको टेस्ट करने वाले हैं। आप सभी को ईद मुबारक।